स्पॉन्सर्ड बाय गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। तेलंगाना सरकार का प्रोजेक्ट कांटी वेलुगु नेत्र चिकित्सा शिविर मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी और विधायक गणेश बिगाला ने किया। छठे डिवीजन विनायक नगर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निजामाबाद शहर के महिला शक्ति भवन में सरकार द्वारा कांटी वेलुगु आंखों का कैंप के दूसरे चरण का प्रारंभ मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी विधायक श्री गणेश बिगाला और जनप्रतिनिधियों ने किया। आज 13 केंद्रों पर आंखों की निःशुल्क जाँच और चश्मा फ्री देने को कहा। इस अवसर पर विधायक गणेश बिगाला ने कहा, स्वस्थ तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री श्री केसीआर चाहते हैं। अंधत्व दूर करने के लिए तेलंगाना के लिए कांटी वेलुगु कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। जनप्रतिनिधि अधिकारियों से समन्वय बनाकर सभी लोगों की आंखों की जांच कराई। कहा मंत्री श्री केसीआर के नेतृत्व में हमारे राज्य में जिस तरह विकास और कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है, देश में कहीं नहीं है ऐसी योजना। अगर हमारी नजर अच्छी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंखों की जाँच कराना है तो शहरों में जाना होता है। जागरूकता के अभाव में ज्यादातर लोग दृष्टिहीनता के शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना राज्य में एक भी व्यक्ति आंख की समस्या से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, सरकार का लक्ष्य है। कांटी वेलुगु के पहले चरण में हमने 1,50,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग और 50,00,000 लोगों को चश्मा बांटा। हम निजामाबाद शहर में 13 केंद्रों पर आंखों की निःशुल्क जाँच करवाएंगे, चश्मा फ्री देंगे। कहा तेलंगाना निजामाबाद, नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।